हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आप लोग सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ. और पता है गाइस, रात में मुझे नींद भी बहुत अच्छी आई. फिर आज मैं ना 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं ना 7 बजे उठी. और देखिए, अभी मॉर्निंग के 10:30 हुए और फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया. फिर मैं धीरे धीरे ही काम करती हूँ, फिर टाइम पास नहीं होता. तो देखिए गाइस, मैं ना आज है ना थोड़ा सा है ना चेंज कर रही हूँ. तो यहाँ पे जो टेबल रखी हुई थी ना, वो मैंने ना किचन में रख दी. अभी मैंने वो देखो, मेरा चिकलू बाहर आ रहा है. ए चिकलू, चिकलू चल अंदर. देखो डर गया, चल अंदर. तो है ना गाइस, मैंने ना पता है यहाँ पे जो ये टेबल यहाँ रखी हुई थी, ये वाली, तो मैंने यहाँ रख दी. और है ना अभी मैं सफाई कर रही हूँ, और रोज़ ही मेरा सफाई होता है. और ये कपड़े धोए हुए हैं तो बाहर से लेकर आई हूँ, तो ये मोटे थे ना तो मैंने धूप में सुखा दिए थे. तो फिर मैं 10 मिनट में सूख गए, फिर मैं ले आई. और ये देखिए, अभी सारा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है. तो ये देखिए, ये वाली टेबल है ना, ये मैं इधर रखूँगी, इधर इधर रख दूँगी. और फिर मैं आपको किचन में ले चलती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या चेंज किया. तो ये देखिए, ये मैंने ना वो वाली उधर रखी थी ना टेबल कोने में, तो मैंने यहाँ रख दी. और इसके ऊपर ये सारा सामान रख दिया, और माइक्रोवेव मैंने रख दिया इधर स्टैंड पे. और अभी थोड़ा सा किचन थोड़ा सा क्लीन किया है, बाकी तो बाकी है. तो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि है ना, देखिए जो कुछ भी हमारे पास है ना, उसी को ही हम अच्छे से क्लीन करके और अच्छे से रखते हैं ना, तो वो एकदम नई हो जाती है. और फिर है ना हमको भी अच्छा लगता है, और हमको ये लगता है कि अरे नया कुछ खरीदे, नया कुछ खरीद. जो आपके पास है ना गाइस, उसी को ये ना आप है ना वापस से रीयूज़ कर सकते हैं अच्छे से क्लीन करके. तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना कल, ये जो स्टील का क्या बोलते हैं इसको, ये था ना, ये देखिए ये स्टील का है गाइस. मैं आपको बताती हूँ, अभी सब हटा के और बताती हूँ. ये ना स्टील का है, ये स्टील होता है ना, स्टील का डब्बा होता है वो. उसको मैंने स्वेटर बना के ये कवर रख दिया उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर ये फ्लावर पॉट रख दिया, तो बन गया ना. तो ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बना रखी है, और फिर रोज़ कुछ ना कुछ करती हूँ. तो गाइस, ज़िंदगी में भी है ना, आप रोज़ अपने लाइफ को नया बनाते रहिए. आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, तो उसी टैलेंट को आप रिन्यू करते रहिए. और ये मत सोचिए कि हम कुछ नया लाएंगे या हमारी ज़िंदगी में भी हम कुछ नया अचीव करेंगे तभी कुछ होगा. नहीं गाइस, जो आपके अंदर है ना वो बहुत अच्छा है, और उसी पे ध्यान लगाइए और उसी को है ना काम में लाते रहिए. तो यही था आज का गाइस. तो अभी मेरे हस्बैंड तो आपको बताइए बिलासपुर गए हुए हैं, तो टाइम पास कैसे करूँ. और बेटा भी, पता है आज है ना वो, उसके लिए दुआ करना, वो इंटरव्यू देने गया है, तो गाइज उसकी जॉब लग जाए. तो यही था. अभी तो वैसे पढ़ाई कर रहा है, BSW कर रहा है, थर्ड ईयर में है. थोड़ा सा 1 साल पीछे हो गया वो. और देखिए गाइज, ये तो रूम आधा मैं पता क्या करती हूँ जब ये नहीं होते ना, तब तो मैं एक साथ सब काम कर लेती हूँ 1 घंटे में. पर ये नहीं, सॉरी, ये होते हैं तो, मतलब इनका आने का होता है तो अब जैसे मॉर्निंग में जाते हैं, आफ्टरनून में आ जाते हैं, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ 1 घंटे में सारा. अभी तो क्या है कि कोई है नहीं. अब मैं तो पोहा बना के खाऊंगी, बेटा तो शायद शाम को ही खाना खाएगा, नाश्ता करके गया है. तो मैं क्या करती हूँ, आधा काम इधर का करती हूँ, फिर उधर जाती हूँ तो उधर करने लग जाती हूँ. वैसे ये गलत आदत है, आदत तो नहीं है मेरी, लेकिन अभी ऐसा कर रही हूँ मैं. फिर आधा काम किचन में जाती हूँ तो किचन का करने लग जाती हूँ, फिर अगर बेडरूम में जाती हूँ तो बेडरूम का करने लग जाती हूँ. ऐसे करती हूँ मैं तो. है ना, मेरे पौधों को है ना मैंने देखिए बाहर रखा हुआ धूप में थोड़ी देर, तो धूप सेक रहे हैं अभी. और फिर है ना देखिए, अच्छा लग रहा है. आप लोगों को बताइएगा कैसा लग रहा है. तो ऐसे ही गाइज, अपनी ज़िंदगी में भी अपने आपको जो आपके अंदर टैलेंट है उसी को ही आप इस्तेमाल कीजिए, और ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करिए. अभी मैं ना इसको टेबल को क्लीन करूँगी, और फिर है ना इसको मैं वहाँ रख दूँगी. फिर मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगी कि कैसा लग रहा है, बताइएगा. तो गाइस ठीक है, फिर अभी भूख लग रही है मुझे. मैंने सुबह है ना 7 बजे एक रोटी खाई थी घी लगा के, बस तो भूख लगने लग गई. तो अभी मैं पोहा बनाऊँगी पहले, फिर बाकी का ये करूँगी. तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए. और एक गाना और सुना देती हूँ. तू मेरा शरण
रहने का स्थान तो मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी स्तुति करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। अपने प्रभु को कहिए कि मैं हूँ यहाँ प्रभु, मुझे अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल कर। तो देखिए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा लोगों की भलाई के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। देखिए गाइज, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जो कुछ भी है अच्छा बनाया है, मेरे को दिल दिया है देने का। और है ना, देखिए गाइज, इतना देने के बाद भी मेरा घर भरा हुआ है, ये परमेश्वर की महिमा है। हर एक कोने को मैं साफ़ करती हूँ क्योंकि मेरा प्रभु यहाँ रहता है। आप छोटे से मंदिर को साफ़ करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं, तो पूरे घर को आप बनाइए, क्योंकि पूरे घर में हमारा परमेश्वर वास करता है। तो ठीक है गाइज, यही था आज का, और सबको मैं आशीष देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।